कम उम्र में दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके पटना के तथागत अवतार तुलसी इन दिनों संकट में है। वो पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल भौतिकी के प्रोफेसर तथागत तुलसी को मुंबई आईआईटी में नौकरी से निकाल दिया है, जिसकी वजह से वो परेशान है। तथागत के अनुसार 22 साल की उम्र में देश का सबसे युवा प्रोफेसर बनने का इनका सपना साकार हुआ था और पीएचडी करने के तुरंत बाद ही 2010 में ये आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट इन पर विपरीत असर कर रहा था, जिस वजह से ये बीमार रहने लगे। बीमार रहने के दौरान 4 साल तक ये लगातार छुट्टी पर रहे और फिर 5वें साल इन्होंने प्रबंधन को छुट्टी के लिए आवेदन दिया, लेकिन इस बार छुट्टी की मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद तथागत ने संस्थान के निदेशक को आईआईटी दिल्ली में तबादला करने के लिए आवेदन दिया, ताकि वहाँ पढ़ाने के अतिरिक्त वे रिसर्च भी कर सके। प्रबंधन ने एक्ट का हवाला देते हुए तबादले से भी इनकार कर दिया और फिर इन्हें नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। तथागत को यकीन नहीं हो रहा है कि आईआईटी मुंबई इन पर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर सकता है। तथागत का कहना है, जब आईएएस और आईपीएस के लिए कानून का संशोधन हो सकता है, तो फिर आईआईटी में संशोधन क्यों नहीं हो सकता। तथागत ने ये भी कहा कि प्रोफेशन के मामले में आईआईटी मुंबई काफी बेहतर है, लेकिन क्लाइमेट सही नहीं है।